एक जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। सिम्बा बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव का शेर था। सिम्बा के साथ उसका एक दोस्त बाघ भी रहता था, जिसका नाम बंटी था। बंटी बाघ बहुत ही घमंडी और लालची था। वह हमेशा से उस जंगल का राजा बनकर वहाँ राज करना चाहता था और इसी के सपने देखता रहता था। क्योंकि सिम्बा शेर जंगल का राजा था, तो उसके रहते बंटी बाघ जंगल का राजा नहीं बन सकता था। इसलिए यह बात बंटी बाघ को हमेशा चुभती रहती थी। वहीं बाघ के साथ उसकी पत्नी बाघिन भी रहा करती थी। बाघ अपनी पत्नी से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी माँ नहीं बन सकती थी। वह बाघिन पर हमेशा अत्याचार करता था। वह हर समय उस पर गुस्सा करता और उसे मारता पीटता था, परंतु उसकी पत्नी बाघिन चुपचाप यह सब सहन करती थी। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन सिम्बा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। सिम्बा बंटी बाघ को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, बंटी मेरे दोस्त, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस जंगल के राजा बनो और इस जंगल को संभालो। सिम्बा की यह बात सुनकर बंटी बाघ मन ही मन बहुत खुश होता है और सिम्बा के मरने का इंतजार करता है और राजा बनने के सपने देखने लगा। कुछ दिन बीत गए, अब बाघ से रहा नहीं गया। उसने सोचा, अरे यह सिम्बा ना जाने कब मरेगा और कब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि आज इस बूढ़े सिम्बा का काम तमाम कर देता हूँ। ऐसा सोचकर बंटी बाघ सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा चलो आज हम दोनों एक साथ शिकार करने के लिए चलते हैं। सिम्बा कहता है, नहीं बंटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं यहीं रहकर आराम करना चाहता हूँ। शिकार करने आज तुम अकेले ही चले जाओ। सिम्बा की बात सुनकर बाघ वहाँ से चला जाता है। सिम्बा गुफा में आराम कर रहा होता है और उसे नींद आ जाती है। तभी बंटी बाघ वापस वहां आता है और सिम्बा को सोता हुआ देख उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है और खुद जंगल का राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद बंटी बाघ जंगल के जानवरों पर अत्याचार करने लगता है। वहीं उसकी पत्नी बाघिन गर्भवती थी, परंतु बंटी बाघ को यह बात मालूम नहीं थी। वह हमेशा की तरह अपनी पत्नी पर अत्याचार करता और उसे भरपेट खाना तक नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और बाघिन ने एक दिन एक सफेद शेर को जन्म दिया। उस सफेद शेर के जन्म से बाघिन बहुत डरी हुई और परेशान थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसके पति बाघ को यह पता चलेगा कि उसका बेटा एक सफेद शेर है, तो वह उसे मार देगा। ऐसा सोचकर बेचारी बाघिन डर के मारे अपने बेटे को बाघ से छुपा कर रखती है। जब बाघ बाघिन पर अत्याचार करता, तो सफेद शेर दूर से यह सब देखता रहता और बहुत दुखी होता था। यह सब देखते हुए काफी समय बीत गया और सफेद शेर अब बड़ा हो गया। यह वही शेर था जिसे बाघ ने मार डाला था। यह सिम्बा का पुनर्जन्म था, परंतु सफेद शेर को यह बात मालूम नहीं थी। एक दिन सफेद शेर परेशान होकर एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी एक बूढ़ा भालू सफेद शेर के पास आता है। भालू सफेद शेर को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे सिम्बा शेर, तुम जिंदा हो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। सफेद शेर भालू की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे भालू, यह तुम क्या कह रहे हो, मेरा नाम सिम्बा नहीं है, मेरा नाम तो शेरू है और मेरा पिता बंटी बाघ है। वह मेरी माँ पर बहुत अत्याचार करता है, इसलिए मेरी माँ मुझे उसके पास नहीं जाने देती। सफेद शेर की बात सुनकर भालू कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है, परंतु फिर उसे सारी बात समझ आ जाती है कि यह सिम्बा का पुनर्जन्म है। सफेद शेर, मैं गलत नहीं हूँ, तुम सिम्बा ही हो, यह तुम्हारा उस बाघ के घर में यह पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हारे दोस्त बंटी बाघ ने तुम्हें धोखे से मार दिया था और वह जंगल का राजा बन गया था। सिम्बा, क्या तुम्हें कुछ याद आया? भालू की बात सुनकर सिम्बा को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। वह तुरंत अपनी माँ बाघिन के पास आता है। वह देखता है कि बंटी बाघ बाघिन पर अत्याचार कर रहा है। यह देखकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वह बंटी बाघ पर हमला करता है और उसे वहीं जान से मार देता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ बाघिन को उस बाघ के अत्याचार से मुक्त करा देता है और साथ ही अपने पिछले जन्म का बदला बाघ से ले लेता है। और फिर बाघिन और सिम्बा खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? जंगल में गब्बर और सिम्बा नाम के दो शेर भाई रहते थे। गब्बर और सिम्बा दोनों भाई बहुत ही ताकतवर थे। दोनों हर रोज जंगल में एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे और दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करते थे।
एक दिन जंगल का राजा कौन होगा इस बात का फैसला करने के लिए जंगल के सभी जानवरों की सभा बैठती है। तभी भालू कहता है, देखो गब्बर और सिम्बा, तुम दोनों भाई हमारे लिए एक समान हो, परंतु जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो कोई एक ही होता है। जंगल के कानून के हिसाब से बड़ा भाई ही जंगल का राजा होता है, तो इस हिसाब से गब्बर तुम बड़े हो, मैं अपना मत तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अपना राजा मानता हूँ। भालू की बात सुनकर सभी जानवर गब्बर और शेर को अपना मत देते हैं। केवल एक दो जानवर ही सिम्बा की तरफ होते हैं, क्योंकि गब्बर शेर के मत में बोलने वाले अधिक जानवर थे, तो गब्बर शेर चुनाव जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। परंतु वहीं सिम्बा को यह बात खटक जाती है, उसे सभा में हुई अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं होती, वह गुस्से से वहां से चला जाता है। सिम्बा बहुत गुस्से में होता है और जंगल में शेरखान बाघ की गुफा के पास आ जाता है। शेरखान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेरखान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? सिम्बा बाघ को सारी बात बताता है कि जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर गब्बर को अपना राजा मान लिया है और उसके हक में बोलने वाला कोई जानवर नहीं है। शेरखान, आज मेरे भाई ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, मुझे किसी भी तरह जंगल का राजा बनना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित कर दूंगा, फिर हम दोनों यहाँ रहकर जंगल पर राज करेंगे। सिम्बा की बात सुनकर शेर खान बाघ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले दिन गब्बर शिकार करने के लिए निकलता है, तभी सिम्बा और शेरखान बाघ उसे जंगल में घेर लेते हैं। सिम्बा और शेरखान दोनों एक साथ गब्बर पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। गब्बर को मारने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है और जानवरों को बताता है कि उसका भाई गब्बर शेर खाई से गिरकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। जंगल के सभी जानवर सिम्बा की बात पर विश्वास कर लेते हैं। शेरखान बाघ और सिम्बा दोनों जंगल पर राज करने लगते हैं। वह दोनों जानवरों पर अत्याचार करने लगते हैं। सिम्बा के राज्य में शेरखान बाघ बेफिक्र होकर शिकार करने लगता है, वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बनाता है और दोनों मिलकर मजे से शिकार का आनंद लेते हैं। जंगल के सभी जानवर शेरखान और सिम्बा के अत्याचारों से तंग आ जाते हैं। वहीं एक दिन जंगल में एक जादुई गोल्डन शेर आता है। वह सुनहरा शेर बहुत ही शक्तिशाली होता है। गोल्डन शेर को गब्बर शेर की लाश दिखाई देती है। गोल्डन शेर अपनी जादुई शक्ति से सब देख लेता है कि गब्बर शेर के साथ क्या हुआ था। यह कर गोल्डन शेर उसी समय अपनी जादुई शक्तियों से गब्बर शेर को वापस जीवित कर देता है। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी गोल्डन शेर कहता है, गब्बर शेर, मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारा भाई जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है, तुम्हें उसे उसके पापों का दंड देना होगा। गोल्डन शेर की बात सुनकर गब्बर शेर बोलता है, परंतु गोल्डन शेर, मैं अकेला सिम्बा और शेरखान का सामना कैसे करूंगा। गब्बर के इतना कहते ही गोल्डन शेर अपनी सारी शक्तियां गब्बर शेर को दे देता है। गब्बर शेर, मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, अब तुम जाओ और उन दोनों को अंजाम तक पहुंचाओ। गब्बर शेर उसी समय सिम्बा और शेरखान के पास आ जाता है। गब्बर को जिंदा देखकर सिम्बा, शेरखान और जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे दुष्ट गद्दार, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार किया, परंतु तूने मेरे साथ ही गद्दारी की और इस शेरखान के साथ मिलकर मुझे मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गब्बर शेर उसी समय अपनी शक्तियों से शेरखान और सिम्बा को वहीं मार देता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है। सभी जानवर गब्बर शेर के राज में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं।